देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, मैं हूं आपके साथ गुंजन। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होने जा रही हैं। शनिवार को परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू कर शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया है। परीक्षा के लिए 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि नकल रोकने के लिए राज्य मंडल और जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं। इस बार 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं और 18 अति संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। तो कल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो छात्रों की भी तैयारी पूरी होगी। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा कल से शुरू हो जाएंगी, जिसमें कि हाई स्कूल की परीक्षा के लिए जो समय है वो सुबह का रहने वाला है 8 बजे से लेकर, और इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो समय है वो शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाला है। तमाम तरीके की व्यवस्था बनाई गई है बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रदेश में 1333 केंद्र बनाए गए हैं, 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं, 18 अति संवेदनशील हैं। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हल्द्वानी में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। नैनीताल जिले में कुल 20,800 छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे, जिसे लेकर 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक परीक्षा कक्ष में सिर्फ 20 छात्र ही परीक्षा दे पाएंगे। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, कल से परीक्षा शुरू होगी। 8 बजे से लेकर सुबह जो परीक्षा होगी वो हाई स्कूल की होगी, और 2 बजे से शाम को जो परीक्षा होगी वो इंटरमीडिएट के छात्रों की होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कल से परीक्षाएं होनी है, छात्रों की किस तरीके की तैयारी, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं, छात्रों से भी बातचीत होगी, इसके साथ साथ प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए कल सोमवार से उत्तराखंड में 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 1300 से अधिक जो है केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 19 ऐसे केंद्र हैं जो अति संवेदनशील हैं। ऐसे में प्रशासन, पुलिस प्रशासन लोगों की विशेष खासा नज़र इन केंद्रों पर रहेगी। दो पाली में ये परीक्षाएँ होनी हैं। पहले प्रथम जो पाली होगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, और द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे तक होगी। तो इन दो पालियों में ये परीक्षाएँ होनी हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पुख्ता तैयारियाँ हैं। अगर 10वीं की बात करें तो यहाँ पर 1,29,000 से अधिक छात्र छात्राएँ, जबकि 12वीं में भी संख्या 1,00,000 से अधिक है। तो पूरी तैयारियां हैं, और इस बार की जो परीक्षाएं हैं उन पर विशेष जो फोकस रखा गया है वो फोकस है नकल विहीन परीक्षाओं को कराने का। ऐसे में जो अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जो केंद्र यहां पर चिन्हित किए गए हैं, उन केंद्रों पर विशेष नजर रहेगी। इसके लिए पूरे स्कूलों में तैयारियां हैं। कोविड का भी कुछ हल्का प्रकोप अभी देखा गया है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। ऐसे में इसको लेकर भी सैनिटाइजर और इन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं करने के निर्देश स्कूलों में दिए गए हैं। बच्चों को भी डिस्टेंस में बैठने के अभी भी निर्देश हैं। इसके साथ ही परीक्षाओं में किसी भी तरीके की बच्चों को कोई दिक्कतें ना हो, इस वजह से जो समय निर्धारित रहेगा परीक्षा का, उससे आधे घंटे पहले परीक्षाओं में बच्चों को पहुंचने के लिए कहा गया है। तो ये परीक्षाएं कल से शुरू हो जाएंगी, 19 तारीख तक ये परीक्षाएं चलेंगी, और कल से इन परीक्षाओं की जो है शुरुआत हो जाएगी। और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं परीक्षाओं को लेकर। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का लंबे समय से इंतजार भी बच्चों को था, अब इन परीक्षाओं की कल से शुरुआत हो जाएगी। बच्चों की पूरी तैयारियाँ हैं, और इस बार क्योंकि इससे पहले की परीक्षाओं की बात करें तो कोविड की वजह से प्रभावित रही हैं, और परीक्षाओं में बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, प्रशासन को दिक्कतें हुई हैं कोविड में परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए। तो इस बार कुछ चीज़ें काफ़ी सामान्य हो चुकी हैं पहले की अपेक्षाएं, तो इस समय प्रशासन के लिए कुछ सहूलियत मिलेगी और बच्चों को भी एक अच्छा माहौल इस बार परीक्षाओं को मिलेगा। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल से उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें कि इंटरमीडिएट की भी परीक्षा होनी है, हाई स्कूल की भी परीक्षा होनी है। तैयारी पूरी कर ली गई है, छात्र भी पूरी तरीके से तैयार है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम परिसर में पौधा भी लगाया। वही ऋतु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष बनी है। विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ऋतु खंडूरी शहीद स्मारक पहुंची। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को
श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रितु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा याद रखेगा प्रदेश। देखिए उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहीद स्मारक पर जब रितु खंडूरी पहुंची थी, साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा कि अपने अमर शहीदों की श्रद्धांजलि को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। रितु खंडूरी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष बन गई हैं। रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं। रितु का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि सदन सही ढंग से चले और जनहित के मुद्दों पर सदन में बातचीत हो। उत्तराखंड को रितु खंडूरी के रूप में पहली महिला अध्यक्ष मिल गई है। कोटद्वार से रितु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज पांचवी विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। रितु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली। कोटद्वार से चुनाव जीतने के बाद से ही उनका नाम पहले मुख्यमंत्री और फिर मंत्री पद के लिए चल रहा था। हालांकि सीएम और मंत्री पद की रेस से रितु बाहर हो गई, लेकिन अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं भी दूसरी बार जीत कर आई हूँ और मैंने पिछली बार इस चीज को देखा था कि आप जितना सदन में बैठते हैं, जितना आप चर्चाओं में भाग लेते हैं और जितना चर्चाओं को सुनते हैं, हमारे सदन में बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और वक्ता बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्स बहुत अच्छे बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे लोगों को पता है, विधायकों को पता है। तो नए जो हमारे विधायक आए हैं उनसे मेरा यही निवेदन था कि हमें चर्चाओं में भाग लेना चाहिए, चर्चाओं में बैठना चाहिए, ताकि हम अपने को अच्छा विधायक की तरह डेवलप कर पाएं। राज्य गठन के बाद से ही ये पहला मौका है जब कोई महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष बनी है। इससे पहले धामी सरकार में ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मगर इस बार प्रेमचंद्र अग्रवाल को धामी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा और रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। रितु खंडूरी स्पीकर बन गई हैं। इस बार का विधानसभा सत्र रितु खंडूरी की अगुवाई में होगा। रितु खंडूरी से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। पहला अध्यक्ष रितु खंडूरी जी चुन ली गई है, निर्विरोध उनका चयन हुआ है। हमारे साथ बातचीत करते हैं, पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन और किस तरह से प्राथमिकताओं के तौर पर आप विधानसभा को संचालित? मैं देखिए सभी का, मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रियों का, साथ ही साथ सारे सदस्यों का, विपक्ष का, सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया है विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर। तो सबका मैं आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहती हूँ और निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्न हूँ कि एक जो महिलाओं को सम्मान देने की कड़ी लगातार चली आ रही है, उसमें ये एक जबरदस्त कड़ी है। क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर आवाज उठती रही है और एज ए महिला आप आज महिला की, उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो आरक्षण को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए होना चाहिए, मैं तो मानती हूँ कि बहनों को आरक्षण मिलना चाहिए और जहाँ मिलता है, जैसे जिला पंचायत में देखिए, पंचायत चुनाव में देखे उनको मिला है और वो जबरदस्त तौर पर बाहर निकल के आई। आज आप प्रधानों को देखे, बीडीसी मेंबर्स देखे, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्षों को देखे, मेयर देखे, तो जहाँ हमको मौका दिया जाता है, जैसे मौका दिया जाता है, बहनें उसको तुरंत उसको लेती हैं और बड़ी कार्यकुशलता के साथ कार्य करती हैं, तो मिलना चाहिए। पहला विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आपकी देखरेख में होगा, क्या कहेंगे आप सदस्यों? देखिए ऐसा है, बजट सेशन है, मैं आज भी मैंने सदन में ये बात बोली है और शायद क्योंकि दूसरी ही बार की विधायक हूँ, पहली बार मैंने देखा है, इसलिए मैंने सारे अपने विधायकों से निवेदन किया है कि हमें सदन में रहना चाहिए, हर चर्चा में भाग लेने के प्रयत्न करना चाहिए, अपने क्षेत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाने चाहिए और साथ ही साथ प्रदेश के हित की अगर कोई चर्चा है, कोई बात है, तो उसमें ज़रूर भागीदारी करनी चाहिए। यार एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए आप रितु खंडूरी जी, जो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं, देहरादून से अपने सहयोगी कृष्ण परोनेस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।
रितु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी है। स्पीकर बनने की जिम्मेदारी संभालने के बाद रितु खंडूरी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया, साथ ही रितु खंडूरी ने इस मौके पर पूजा अर्चना भी की। देखिए उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी, इसके साथ साथ पूजा पाठ भी उन्होंने यहां पर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने उनके आवास पर वो पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और इसलिए उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंचा था। वहीं हरीश रावत ने कहा कि मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो। मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। आज भी क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। पुष्कर धामी जी जो हैं बहुत शिष्टाचार का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और एक अच्छी परंपरा है कि आप जो है राजनीतिक सौहार्द इससे बनता है, वातावरण में मैसेज जाता है लोगों को कि नहीं जो हमारे नेतागण है वो केवल राजनीति नहीं करते हैं बल्कि मिल बैठ करके राज्य के लिए हमारे वेलफेयर के लिए सोचते ही हैं, तो वो आए बहुत। वही सीएम धामी समेत उनके मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों की शपथ हो चुकी है। धामी सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई है मगर अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिरकार ये देरी हो क्यों रही है। मैं पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी मंत्री अभी खाली है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मंत्रियों का कहना है उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मैं मानती हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बहुत जल्द इस संदर्भ में भी मैं समझती हूँ कि निर्णय हो जाएगा और हम सब लोग अपने अपने विभागों के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। विधानसभा सत्र है तो अब विलंब नहीं होगा और जहाँ तक चॉइस का सवाल है मुझे जो भी दायित्व जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री देंगे मैं उसको निष्ठा और ईमानदारी से सुलभता से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूँगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर सियासी तीर दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कई मंत्रियों की बड़े विभागों पर नजर है जिस वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। जो सीनियर मंत्री है उनमें आपस में पदों को लेकर बहुत बड़ी राड़ है और वो चाह रहे हैं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पद मिले। अच्छा, अब ऊर्जा का सवाल है, PWD का सवाल है और भी कई ऐसे विभाग है जिन पर जो है मंत्रियों की नजर है तो उसी पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए 4 दिन होकर मुझे नहीं लगता भी 1-2 दिन और कुछ होने वाला है। हालांकि सीएम कह रहे हैं विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा, पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ उनकी टीम के 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कई दिन हो चुके हैं मगर मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। माना जा रहा है जिन पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है उनके पास पूर्व में रहे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं धामी सरकार में शामिल हुए 3 नए मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। किशोर उपाध्याय इस बार टिहरी से विधायक चुने गए हैं। विधायक बनने के बाद किशोर उपाध्याय पहली बार मां भवानी मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। इस दौरान मंत्री बनने के सवाल पर किशोर उपाध्याय ने कहा मंत्री बनना पार्टी का विशेषाधिकार है। जो मंत्री बनना न बनना ये पार्टी का विशेषाधिकार है, ये पार्टी का विशेषाधिकार है। वो सारी चीजों का आकलन करके उसके बाद जो है निर्णय लेते हैं और जो भी पार्टी निर्णय लेगी किशोर उपाध्याय उसका सम्मान करेगा, उसको सिरोधारित करेगा और पार्टी देखेगी मुझ में जो क्षमता है उसका उपयोग करेगी।
वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से के साथ मीटिंग की। दरअसल उमेश कुमार विधायक की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि अगर सीएम धामी उनके विधानसभा क्षेत्र की 20 मुख्य मांगे पूरी कर दें तो सीएम खानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था हम निर्दलीय हैं, निर्दलीय थे और निर्दलीय रहेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। बात रही कि विधानसभा सीट छोड़ने की, हमने पहले भी कहा कि हमारी 20 मांगे हैं। गंगा नदी का तटबंध, सोलानी नदी का तटबंध, लंढोरा में डिग्री कॉलेज और बिजली घर का उच्चीकरण, जो भी व्यक्ति करें अगर वो मुख्यमंत्री हैं और वो हमारी सीट से लड़ने के लिए तैयार हों। वही गर्मी का मौसम आ गया है, ऐसे में पहाड़ों में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसी को लेकर पौड़ी में मुख्य वन संरक्षक ने मीटिंग की। इस मीटिंग में वन विभाग के अलावा पर्यावरण प्रेमियों को भी बुलाया गया। इस दौरान जनता से भी सहयोग मांगा गया। हम लोग उसका एक बुलेटिन भी जो है तैयार कर रहे हैं। अब तक हमारी जो है टोटल 54 घटनाएं हुई हैं प्रदेश स्तर पर, जिसमें कि कुल 62.4 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है अग्नि से प्रभावित हुआ है। और इसमें हम लोगों का यही है कि आज मैंने जैसे यहाँ पे आया तो हमारे जो फील्ड कार्मिक हैं और हमारे जो वन पंचायत सरपंच है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जिसमें उनको वनाग्नि की जो सूचना है वो त्वरित रूप से जो है हम लोग को मिल सके, इस पर प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा प्रयास हमारा है कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम से कम, इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यशाला यहाँ पर रखी गई थी। देहरादून नगर निगम एक बार फिर से प्लास्टिक को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रहा है, मगर इस बार यह अभियान कुछ अलग तरह से चलाया जाएगा। इसमें स्कूलों के सहयोग से अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। बच्चे अपने घरों में पड़ा प्लास्टिक का खराब सामान स्कूल में लाएंगे। स्कूलों में इसके लिए प्लास्टिक बैंक तैयार किए गए हैं। यहां से नगर निगम की गाड़ी इकट्ठा कर प्लास्टिक को रिसाइकल के लिए लेकर जाएगी। वही मुख्य सचिव एसएस संधु ने उत्तरकाशी के भटवारी का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने रैथल और हर्षल का निरीक्षण कर पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ ही डीएम से विकास योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि होम स्टे को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे पहाड़ के लोगों को रोजगार मिले। गर्मी बढ़ने के साथ ही टिहरी डैम की झील का जलस्तर कम हो रहा है, जिससे झील से सटे गांव में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। झील का जलस्तर कम होने से किनारे पर कई जगह गड्ढों में पानी भी जमा हो गया है, जिससे बीमारियों का खतरा है। पहले टीएचडीसी झील के किनारे कीटनाशक का छिड़काव करवाया जाता था, मगर अब उसके लिए बजट जारी नहीं किया जाता है। वही नई सरकार के बनते ही पौड़ी की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। पौड़ी कोटद्वार और पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। पौड़ी की खस्ताहाल सड़कें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों की राह भी मुश्किल बना रही है। वही आईआईटी रुड़की में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 50 साल पूरे होने पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खगोल विज्ञान और गतिविधियों और ग्रहीय अंतरिक्ष पर चर्चा की जा रही है।